आज धनबाद के वासेपुर स्थित जोनल ट्रेनिंग ग्राउंड में एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 का उद्घाटन कांग्रेस के नेता रणविजय सिंह, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष रशीद रजा, वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद निसार आलम ने खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर किया। द वॉरियर्स लिखा हुआ है तो लोग आपको बता दें कि धनबाद के वासेपुर में यहाँ के लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के युवा क्रिकेटर क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी नाम भी कमाए हैं। एमपीएल लीग वासेपुर में क्रिकेट का नया युग है जो यहाँ के युवाओं को आगे ला रही है। टूर्नामेंट लीग पर आधारित है। ये टूर्नामेंट 15 दिनों तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में विनर टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कोई मीडिया से बात करते हुए धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष रशीद रजा अंसारी ने कहा कि वासेपुर में यहाँ के युवा क्रिकेट को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हर साल यहाँ एमपीएल के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है जिसमें यहाँ के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गेम चालू है यहाँ पे और ये हर वर्ष यहाँ पे होता है और हम लोग जो है खास करके यहाँ के जो हमारे पार्षद है निसार आलम साहब, बच्चों को देखिए हम लोगों को भी स्पोर्ट्स से बहुत लगाव रहा है। हम लोग फुटबॉल के प्लेयर थे और अभी क्रिकेट हो रहा है लेकिन स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स से हम लोगों का बहुत लगाव है और स्पोर्ट्स यहाँ पे कैसे ज़्यादा लड़का 57 रन ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए हम लोग जो है प्रेरित करते रहते हैं और हर वर्ष हम लोग यहाँ पे आकर करके जो भी उद्घाटन हो चाहे समापन समारोह हो हम लोग करते हैं और जो यहाँ के आयोजन करता है जैसे ये मोहन बाबू, ठीक है, ये मैंने काफ़ी इस प्रोग्राम को लेकर के ये अच्छा खासा यहाँ पे इंतजाम करते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं। देखिए वासीपुर मोहल्ला मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे युवाओं का अब प्रतिभा की कमी नहीं है तो प्रतिभा आगे कैसे आए, यही सब छोटे छोटे बच्चे जो है आगे जाके बड़ा प्लेयर बनते हैं। और अभी जो है हमारे बीच झारखंड के नेता हमारे मित्र रणविजय जी आए हुए थे और हम लोग तो हर वर्ष रहते ही है और अब देखिए 15-20 दिन ये गेम चलेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे समापन समारोह होगा, उस वक्त भी आप लोगों को बुलाया जाएगा। और अंत में मैं बस आपके चैनल के द्वारा यही संदेश देना चाहता हूँ यहाँ के बच्चों को कि देखिए स्पोर्ट्स जो है जिस तरह से लोग पढ़ते हैं लिखते हैं सब काम करते हैं तो खेल भी बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे होंगे कि आज हिंदुस्तान जो मैंने खेल रहे हैं, जैसे कि यहाँ के धोनी को देख लीजिए, वो कहाँ के थे, रांची में एक गुमनाम जगह में रह करके आज देखिए हिंदुस्तान का वो नाम रोशन किए हुए हैं और वो कैप्टन भी हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर करके हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के भी बच्चे जो हैं नाम कमाए और वासेपुर का हमारा नाम रोशन करें। वही वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद निसार आलम ने भी हमारे संवाददाता से बातें की। आज जो है बहुत खुशी की बात है कि वासेपुर मारूफगंज प्रीमियर लीग की तरफ से एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें आयोजनकर्ता हमारे मोहन जी हैं और अभी हमारे मुख्य अतिथि रणविजय जी उपस्थित हुए थे और तमाम प्लेयरों से अपना इंटरव्यू मतलब मिले और बहुत ही खुशी की बात है कि इससे 15-20 दिन के बाद में फाइनल जो होगा उसमें रणविजय जी मुख्य अतिथि के तौर पर हम लोग के बीच में आएंगे। राशिद रजा अंसारी आपका कांग्रेस के उपाध्यक्ष वो भी उपस्थित रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बढ़िया से टूर्नामेंट को हम लोग फाइनल तक पहुँचाएँ। इस मैच होने से बच्चों यहाँ के नौजवानों में एक उत्साह जगता है और ये हमेशा हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। हम चाहेंगे जिस तरह हो रहा है इस तरह इस बार हो रहा है उस तरह हमेशा इस तरह का मैच होते रहना चाहिए ताकि नौजवानों में एक उत्साह एक अच्छा लगन पैदा होता है। ये टूर्नामेंट कब तक चलेगा? आयोजनकर्ता का कहना है कि कितना ये लगभग 15 दिन चलेगा और 15 दिन चलेगा, 15 दिन के बाद जो है फाइनल जो मैच किस तारीख तक के फाइनल होगा, ये मैच 20 25 को फाइनल होगा, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होने का काम करेंगे।